पे सुबह हो जाएगी और टाइम क्या हो रहा है? 11 ये जो सिचुएशन है ना, मैं कुछ बयान नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग आए थे एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए, यहाँ पर बारिश शुरू हुई। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? मैं जो आया हूँ सवात से आया हूँ। सवाल मेंगौरा से, हम मेंगौरा सिटी से आए हैं। अच्छा, इंसाफ ड्राई फ्रूट, लेकिन इंसाफ ड्राई फ्रूट तो पिशावर में है। इंसाफ ड्राई फ्रूट सवात में नहीं हो, पिशावर में सिटी में। हाँ, इंसाफ ड्राई फ्रूट हाँ, पहचाना। हम जो है ये बारिश इंजॉय नहीं है, ये जो है कराची पे एक अजाब जैसा है जी, बिल्कुल। वहाँ बारिश होती है तो क्या? अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? और आज की सिचुएशन में बता नहीं सकती, खैर खैरियत पूछने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है क्योंकि मेरी खैरियत बिल्कुल ठीक भी नहीं है। देख लें आप लोग, पूरी गीली हो चुकी हूँ। कराची की बारिश पहली बार मैंने ऐसी देखी। कौन कहते यार ठंड नहीं होती, मुझे देखे और जाके देख लें यहाँ पे, वहां से पुल के नीचे ये जो जा रही है ना रोड, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। कोशिश करती हूँ इसको पार करके, इस पानी को पार करके जाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। और चले आते इस पानी को पार करके, वो देखिए जा कैसे रहे। कयूमाबाद से यहाँ तक सिर्फ 2 घंटे में पहुँचा हूँ और मेरी गाड़ी भी बंद हो गई है पानी की वजह से। ये है कराची की रोड, मैं आ रही हूँ पानी में चलते चलते अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए कि नीचे क्या हालत है। माय गॉड, ये क्या है, ये क्या है यार, ये कराची है? ऐसी बारिश तो मैंने अभी तक नहीं देखी है यार। पंजाब में बारिश होती है यकीन करें, वहां पे पानी नजर भी नहीं आता, गया किधर? लोग फंस चुके हैं, कारोबार चमका रहा है। वो देखिए, वो देखिए कहां क्या हो रहा है, वो आज भी कारोबार कर रहा है, ये देखिए सब इकट्ठा कर रहा है नीचे। अरे ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, पता नहीं मैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे हम लोग जो फंसे हैं ना, हमें 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए फंसे हुए। मुझे लग रहा है कि हमें सुबह हो जाएगी। और टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं, 11 बजे का टाइम है और हम लोग फंस चुके हैं यहाँ पे, पता नहीं हम घर कैसे जाएंगे। मेरे साथ ये भी वाले साहब मौजूद है, आप क्या कहेंगे, आपके साथ आए थे हम लोग? बहुत बुरा फंसे हम लोग, टीपू सुल्तान रोड के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने के लिए गए थे, वापस वहाँ से शहीद मिलत रोड तारी रोड चौरंगी पे फंसे हुए हम लोग, और बस हर तरफ पानी ही पानी है। पठान भाई की हमने चाय भी पी ली और अंडे पराठे भी खा लिए, उसको भी 1 घंटा गुजर चुका, अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं कब घर जाते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कराची की बारिश कैसी रही आज? कराची में एक तो पहली बात है बारिश कम पड़ती है, और जब बारिश पड़ती है तो इतना बुरा हाल होता है, आप अंडरपास देख सकते हैं। मैं कयूमाबाद से यहाँ तक सिर्फ 2 घंटे में पहुँचा हूँ और मेरी गाड़ी भी बंद हो गई है पानी की वजह से। सवारी थी ना वो उतर के बिचारी चली गई है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कराची में कोई निजाम नहीं, अब मुझे यहाँ से गुलशन जाना, आगे कितना जाम मिलेगा कुछ पता नहीं है। अब इसमें मैं क्या बोलूँ इनको, बाइकें चलाते भाई, इनकी बाइक खराब हो चुकी है, बंद हो चुके हैं। हम तो मैं कह रही थी कि शायद इंजॉय तो नहीं, मुझे भी ठंड लग रही थी, ठंड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई निजाम नहीं है। कराची लावारिस कहा जाता है ना, तो ये वाकई पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, पानी भर जाता है 10 मिनट की बारिश में। तो अभी आप लोग देख ले, सब ठंड हो जाते, खूबसूरत हो जाते, और यहाँ जब बारिश हो जाते तो गजब आ जाते। यहाँ पे लोगों को तकलीफ, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कराची के जो वो है ना सियासतदान है, जो बड़े बड़े पीटी हो या पीटीआई वाले हो या जेयूआई वाले हो या मुस्लिम लीग नून वाले हो, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी कराची का कुछ हालात सही करें, लड़ाई झगड़ा छोड़े और अपने मुल्क और वतन के लिए कुछ काम करे, ये न करे कि डॉलर आए और जेब में डाले, अपने मुल्क पे लगाए, अपने वतन कराची पे लगाए। शुक्रिया। ये सवाद से आए हैं लेकिन यहाँ पे आके फंस गए हैं। मैंने इनसे इसीलिए पूछा कि वहाँ बारिश होती है तो क्या होता है, वहाँ पे मौसम इतना खूबसूरत हो जाता है, रोडों में पानी भरा हुआ नजर नहीं आता। ये लोग कह रहे हैं हमारी हुकूमत
लिया हूँ तस्वीर, एक तस्वीर। अरे बोले, ये देखिए मेरी गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं और इनको धक्का लगाया जा रहा है इन गाड़ियों को, तो जब इनका ये हाल होगा तो लोगों को क्या होगा? लोग अपनी मदद आपके लिए, देखे लोग जा रहे हैं यहाँ पे इतना ज्यादा आगे, तो बहुत अंडर पास से बहुत ज्यादा अंदर पानी है, वो मैंने नीचे जाके निकाला, वो देखे जी, वो देखे जी, वो देखे, वो हेल्प के लिए आए मेरे ख्याल में, मोबाइल का देख लें क्या हाल हुआ है, वो आधी आधी, अच्छा अंदर जाएंगे ना अंडर पास में तो आधी आधी गाड़ियाँ पानी के अंदर है, उनको रेस्क्यू करके ला रही है लोगों को अंदर, मोटरसाइकिल है। अच्छा अच्छा, ये रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, ठीक है ठीक है। ये जो मोबाइल गई थी अंदर, बाइक कहाँ से रेस्क्यू करके बाहर लेकर आए हैं वो लोग? इलेक्शन के दिन है, क्या काम क्या हो रहा है, कौन क्या काम करेगा हमें नहीं पता, वो बाइक लगा लगा के सोच सोच समझ के वोट दीजिएगा कि हमारे कराची का ये हाल है, पाकिस्तान का ये हाल है, क्या जिसको आप चुनेंगे वो ये काम करवाएगा? सीवरेज का निजाम यहाँ पे इतना खराब है, आप लोग देख लें पानी निकलने की कोई कुछ उम्मीद नहीं नजर आ रही कि पानी जाएगा, हम पता नहीं घर कब जाएंगे यार, इतना रात का टाइम हो गया तो मुझे डर ही लग रहा है, मैं कब से कह रही हूँ कि भाई निकलो, किसी भी तरीके से निकलो, पैदल निकल जाते हैं हम लोग, चलते हैं, गाड़ी हमारी भी फंसी हुई है, हमारी गाड़ी बंद हो चुकी है, यही आप लोगों को दिखाना था कि ये देखिए ये क्या हाल है, इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आती हूँ दोबारा, इत्तेफाक से वीडियो बनाने के लिए खड़ी हो गई है कि लोगों को दिखाना पड़ेगा कि यहाँ क्या हाल है, वोट देने से पहले 10 बार सोचिएगा जिसको आप वोट दे रहे हैं, क्या वो रिलायबल है या इस काबिल है कि उसको वोट दिया जाए, तो सोच समझ के, मैंने तो सोचा है मैं किसी को वोट नहीं दूंगी, किसी पार्टी से मेरा कोई वो नहीं है कि मुझे तो किसी पर भरोसा ही नहीं है। वीडियो लंबी होती जा रही है, माइक मेरा मेरे पास नहीं, चीख चीख के गला भी बंद हो रहा है मेरा, तो आती हूँ किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छी वीडियो तो नहीं थी ये।